नमस्कार दोस्तों, मेरी गार्डनिंग चैनल सेट शॉप पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये नीलकंठा की बेल है और उसमें आज बहुत सारे फूल खिले हैं। वैसे तो उसमें पूरे साल फूल आते रहते हैं। मैंने उसकी अच्छी तरह कटिंग प्रूनिंग कर दी थी और अब ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है और बहुत सारी कलियाँ भी उसमें आई है और फूल भी खिलना शुरू हो गए। दोस्तों, आज मैं एलोवेरा जेल की मदद से कटिंग कैसे लगाते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। ये एग्लोनीमा का एक पत्ता लिया है, छोटा सा, और उसकी पत्ते की डंडी को मैं एलोवेरा के टुकड़े में उसके प्रेस कर दूंगी और उसे मिट्टी में दबा दूंगी। उसकी पत्ते की जो डंडी है उसमें से अच्छी तरह रूट उसमें निकल आएंगे। दोस्तों, एलोवेरा जेल ये रूटीन हॉर्मोन्स का भी काम करता है और फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। उससे हमारे जो भी कटिंग लगाते हैं उसमें फंगस नहीं लगती। ये मैंने उसमें प्रेस कर दिया है और उसको मैं इस मिट्टी में दबा दूंगी और अच्छी तरह उसे पानी दे दूंगी। थोड़े ही दिन में उसमें रूट्स निकल आएंगे और हमारा एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैंने कई सारी कटिंग लगाई है जो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी कटिंग लगाने के लिए जो मिट्टी लेते हैं उसमें अच्छी मात्रा में सेंट मिला लीजिए ताकि आपकी मिट्टी सॉफ्ट यानी कि पोरस बने। मिट्टी सॉफ्ट होने से उसके रूट अच्छी तरह डेवलप होंगे। रूट अच्छी तरह डेवलप होंगे तो जाहिर है कि हमारा प्लांट भी बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। दोस्तों, उसमें मैंने थोड़ी सी होममेड फर्टिलाइज़र मिलाई है और मिट्टी और रेत, ये मैंने बहुत सारी कटिंग ले ली है। हिबिस्कस, चांदनी, चैत्रोबा, ऐसी कई सारी कटिंग करके तैयार रखी है। उसमें से जो एक्स्ट्रा लीव्स है वो हम हटा देंगे और उसकी बॉटम में थोड़ा सा क्रॉस कट लगा देंगे ताकि उसका रूट अच्छी तरह डेवलप हो सके। और उसकी बॉटम साइड को मैं एलोवेरा के जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं उसमें मैं प्रेस कर दूंगी और उसी को हमने जो मिट्टी तैयार की है वो ग्रोइंग बैग में भर दी है और उसी में लगा दूंगी। दोस्तों, ये मैंने एलोवेरा के टुकड़े में मैंने ये कटिंग की बॉटम को प्रेस कर दिया है और उसी में ये ग्रोइंग बैग में लगा दूंगी। उसे अंदर अच्छी तरह प्रेस करके लगा दिए, सॉफ्ट मिट्टी होने के कारण अच्छी तरह प्रेस हो जाएगा। इसी तरह सभी कटिंग आप लगा दीजिए। ये सब मैंने एक कटिंग लगाई है पिटूनिया की, डहेलिया की। ये सब कटिंग आप जहाँ ब्राइट लाइट आती हो और शेडो वाली जगह पे रख दीजिए और अच्छी तरह उसे पानी दे दीजिए। थोड़े ही दिन में आपकी कटिंग अच्छी तरह लग जाएगी। इसी तरह मैंने ग्रास, वंडरिंग जू, पर्पल हार्ट, ये सब की कटिंग लगाई है। ये बॉट लिली का है, ये जेट प्लांट है। जेट प्लांट की भी छोटी सी कटिंग भी आप लगा देंगे तो लग जाएगी, बहुत हार्डी प्लांट रहता है। ये मैंने पहले लगाई थी, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे किस तरह जेट प्लांट ऐसे ही आप अंदर सॉइल में प्रेस करके लगा दीजिए, वो अपने आप लग जाएगी। ये ग्रास है, उसे भी इसी तरह प्रेस करके लगा दीजिए। ये बहुत हार्डी प्लांट रहते हैं, आसानी से लग जाते हैं। ये सब कटिंग आप साल में कोई भी सीजन में लगा सकते हैं, वो आसानी से लग जाएगी। मैंने कुछ कटिंग यहाँ पे भी लगाई है,
दोस्तों आप भी इसी तरह कटिंग लगा दीजिए। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।